तो दोस्तों, अगर आपने YouTube चैनल पे टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं किया है तो आपका YouTube चैनल हैक भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन करना स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा और चैनल हैक होने से कैसे बचाया जाता है ये भी आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बट दोस्तों, वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तभी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं फोन की स्क्रीन पे और वहां पे आपको लाइव प्रूफ करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है पहले ये मैं आपको बता दूं। टू स्टेप वेरिफिकेशन एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होता है। अगर कोई आपका यूट्यूब चैनल हैक कर रहा है तो आपका यूट्यूब चैनल हैक नहीं होगा। वहाँ पे आपका क्या है कि YouTube चैनल का पासवर्ड मांगेगा और साथ ही साथ पासवर्ड मांगेगा और आपका वो मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन में देंगे वो मांगेगा। तो दोस्तों, सिंपली मैं आपको समझा दूँ, अगर कोई भी बंदा आपका YouTube चैनल हैक करने की कोशिश कर रहा है तो आपके मोबाइल नंबर पे टू स्टेप वेरिफिकेशन का वो कोड आएगा 6 अंकों का, तभी वो हैक कर सकता है। और क्योंकि मोबाइल नंबर आपके पास होगा तो आपका यूट्यूब चैनल हैक नहीं हो सकता है। और दोस्तों, दूसरी बात ये है कि अगर आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम भी आप पूरा कर लेते हैं मगर आप यूट्यूब चैनल मोनिटाइज करने जाएंगे तो वहाँ से यूट्यूब चैनल आपका मोनिटाइज नहीं होगा जब तक आप टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन किस तरह करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, टू स्टेप वेरिफिकेशन करने के लिए आपको सिंपली सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर टैप करना होगा www.youtube.com। जैसे ही आप ये टैप करेंगे यहाँ पर सर्च मार देना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ 3 डॉट पे ऊपर में क्लिक करना है। जैसे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो नीचे में यहाँ डैशबोर्ड साइड का ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने चैनल के लोगो पे क्लिक करना है। यहाँ ऊपर कोने में यहाँ पे चैनल के लोगो पे क्लिक करके यहाँ पे योर चैनल का ऑप्शन आ जाएगा। इस जगह योर चैनल पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप योर चैनल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब सिंपली आपके सामने दो तरह का यहाँ ऑप्शन आ रहा है, एक मैनेज वीडियो का और एक कस्टमाइज चैनल का। तो आपको मैनेज वीडियो पर नहीं क्लिक करना है, आपको कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों, अब क्या करना है आपको, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। थोड़ा जूम करने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉलर का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप डॉलर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको इस जगह पे ताला का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर टू स्टेप वेरिफिकेशन लिखा हुआ आ रहा है, आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, आपको सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखेंगे एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा कुछ इस तरह का। अब दोस्तों, यहाँ पर आपका जो भी जीमेल आईडी का पासवर्ड है जिससे आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ जल्दी से हम अपना पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। तो मेरा जो भी पासवर्ड है मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट हम करेंगे तो हमारे सामने कुछ एक नया पेज ओपन हो के आ जाए कुछ इस तरह का। तो दोस्तों, थोड़ा नीचे हम यहाँ पे आते हैं तो देखिए यहाँ लिखा आ रहा है OPPO CPH 1893, यानी ये मेरा जीमेल आईडी सिर्फ ओप्पो के मोबाइल में अभी लॉगिन है। और आपका अगर लैपटॉप कंप्यूटर 2-3 डिवाइस में लॉगिन हो वो भी यहाँ पे शो करेगा। तो मेरा यहाँ पे एक ओप्पो के मोबाइल में ही सिर्फ लॉगिन है। अब क्या करना है हमें दोस्तों, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस कंटिन्यू के ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। ये जो नीचे का कंटिन्यू है, जैसे आप क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। अब यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालने को मांगेगा, जो मोबाइल नंबर अभी आपके फ़ोन में है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पे मैं भी अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। अब दोस्तों, जैसे ही हम अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करते हैं, थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ टेक्स्ट मैसेज और फ़ोन कॉल लिखा आ रहा। तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, आप फ़ोन कॉल पर क्लिक नहीं करना है, आपको टेक्स्ट मैसेज पर क्लिक करना है। आपको जो OTP मंगवाना है वो मैसेज के थ्रू मंगवाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर सेंड का ऑप्शन नज़र आ रहा, आप
आपको यहाँ पे क्या करना है, सेंड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे OTP आया होगा, ये OTP ऊपर में दिखा रहा है, इस OTP पे क्लिक करना है और यहाँ से एक सेकेंड तक दबा के रखना है, और एक सेकेंड दबाने के बाद दोस्तों ये OTP यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, इस तरीके से कॉपी कर लेना है। अब कॉपी करने के बाद फिर यहाँ से बैक आना है, फिर हमें उसी जगह चले जाना है और उस जगह जाने के बाद यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है, आपको क्या करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन लिखा रहा, अब यहाँ टर्न ऑन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप टर्न ऑन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये टू स्टेप वेरिफिकेशन है ना, ऑन होने के लिए तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए ये लोडिंग ले रहा है यहाँ से, अब ये मेरा टू स्टेप वेरिफिकेशन हो जाएगा, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों थोड़ा लोडिंग लेने में यहाँ समय लगेगा, मुश्किल से 10-15 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों ये देखिए आ गया यहाँ पे, थोड़ा यहाँ मैं आपको नीचे में ये देखिए यहाँ साफ नहीं दिख रहा, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों टू स्टेप वेरिफिकेशन पे जो लॉक लगा हुआ था, जो ताला लगा हुआ था, यहाँ पे हो गया मेरा। सो आई होप दोस्तों वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।